देश भर के साथ अजमेर जिले में भी गणेश चतुर्थी बड़े ही धूमधाम से आयोजित की गई। इस दौरान विभिन्न मंदिरों में सजावट के साथ ही गजानन गणपति की पूजा अर्चना व अभिषेक कर श्रृंगार किया गया। इस मौके पर अजमेर के आगरा गेट स्थित प्रसिद्ध प्राचीन गणेश मंदिर में गणेश महोत्सव बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। रविवार को झंडारोहण के साथ ही गणेश महोत्सव की शुरुआत की गई। सोमवार सुबह 4 बजे मंगल आरती के साथ ही 6 बजे नृत्य आरती कर 310 पारियों के साथ अथवरिष्ठ पूजन किया गया। 11 बजे गणेश जी को केसर युक्त दूध से फिर पंचामृत हरिदा कोकुम जल एवं इत्र से अभिषेक कराया गया। 12 बजे महाआरती का आयोजन किया गया। इस महाआरती में शहर के कई गणमान्य लोगों के साथ ही विधायक वासुदेव देवनानी व भाजपा नेता भंवर सिंह पलाड़ा मौजूद रहे, जिन्होंने आरती में शिरकत कर भगवान की आराधना की। इस मौके पर कई लोगों ने भगवान का आशीर्वाद लिया और अपने अपने घर पर गणेश चतुर्थी के मौके पर गणपति की स्थापना की। गणेश चतुर्थी के दिन शहर में कई स्थानों पर गणेश बाजार लगाए गए, जहां से लोग अपने अपने घर 1 फीट से 4 फीट तक मूर्तियां ले जाते दिखे, जिनकी आज से 10 दिन तक पूजा की जाएगी और उन्हें विसर्जित किया जाएगा। आज विघ्न हर्ता हमारे गणेश जी का चतुर्थी पर मैं अपने अजमेर वासियों को और प्रदेश वासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। सबके जीवन का कष्ट समाप्त करें और हम सब लोग मिलकर के अजमेर के विकास में सहभागी बने। और जिस प्रकार से मोदी जी के नेतृत्व में भारत विश्व गुरु बनने की ओर अग्रसर है, हम सबको गणेश जी ऐसा आशीर्वाद दें, हमको संबल दें, हम सब लोग मिलकर के इस श्रेष्ठ भारत के निर्माण में सहभागी बने। इस गणेश जी 5000 वर्ष से अधिक सारे विश्व में पूजे जाते हैं, ऐसे भगवान की आज चतुर्थी और जन्मदिन पर निश्चित रूप से हम सब लोग उनके आशीर्वाद मांग रहे हैं, नमन कर रहे हैं और अपार जन समूह के साथ ये आशीर्वाद प्राप्त करके हम सब लोग अजमेर के, प्रदेश के और देश के विकास में हमारी पूरी ताकत लगे, हमको इस प्रकार का संबल दे, आशीर्वाद दें। इस अवसर पर मैं अपने अजमेर वासियों को पुनः एक बार बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। आगरा गेट प्राचीन गणेश जी का मंदिर और गणपतिनाथ दरवाजे के ऊपर विराजमान थे उस समय में जब अंग्रेजों ने इनको शस्त्रागार में रखवा दिया और गणेश जी को ऐसे पटक दिया। मराठाओं ने इनसे युद्ध किया कि हमारे आराध्य देव गणपति को तुमने शस्त्रागार में कैसे रख दिया, और मराठा साम्राज्य ने इसकी स्थापना करवाई और भगवान गणेश जी के कल पूर्वोत्तर रात्रि में जागरण किया गया और आज भगवान को सबसे पहले शहद से स्नान कराया गया। शहद के स्नान के बाद केसर चंदन से स्नान करा के, शुद्ध जल के स्नान करा के नए वस्त्र धारण करवाए और धारण करवा के भगवान के माला प्रसाद का भोग लगाया गया और उस पंचामृत का प्रसाद वितरण हो रहा है। वो पंचगव्य बनता है, गोबर, गोमूत्र, दूध, दही, शहद और घी, इसके अंदर ये चीज़ें मिला के भगवान को स्नान कराया जाता है। इसको बहुत शुद्ध चीज़ होती है, इससे सब शरीर की पीड़ा मिटती है। यह पंचामृत का वितरण किया गया और आज शाम को भगवान श्री गणेश जी महाराज के फूलमाला की झांकी सजाई जाएगी, भगवान के पुष्प विहार झांकी के दर्शन आज आ रही 12 बजे शाम 12 बजे भगवान का जन्मोत्सव मनाया गया। भगवान गणेश जी महाराज ने जन्म नहीं लिया, राम जी ने जन्म नहीं लिया। कहते हैं मनुष्य मत प्रसाद है न प्रजापति गर्भे अंतर जाय मानो बहुधा विदाय से। भगवान पार्वती माँ ने अपने मेल का पुतला बनाया और मंत्र से शक्ति फूंक गए और उनको उत्पन्न कर दिया। तो भगवान गणेश जी महाराज अवतरण कहलाते हैं साहब, इनका अवतार हुआ अवतरण कहलाते हैं। इनका दिन में 12 बजे सही भागवत शुक्ल पक्ष चौथ को चित्रा नक्षत्र में जन्म हुआ था। आज 12 बजे आरती की। गणेश चतुर्थी के इस शुभ अवसर पर मैं सभी देशवासी, प्रदेशवासी, अजमेर वासियों को मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूँ कि गणेश जी हमें सभी की हर मनोकामनाएं पूरी करें। वैसे भी हमारे देश में, विदेश में गणेश जी का पर्व बहुत उत्साहपूर्वक मनाया जाता है और गणेश जी हर की मनोकामनाएं पूरी करते हैं। मुझे विश्वास है कि इस देश और प्रदेश में अच्छी खुशहाली लेकर के आएंगे। हमारे मोदी जी के नेतृत्व में देश पूरे विश्व में प्रगति की ओर बढ़ेगा, यही मेरी मनोकामना है। पुनः मैं सभी हमारे अजमेर वासियों को, राजस्थान के सभी प्रदेश वासियों को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। धन्यवाद।